नेशनल दिव्यांग क्रिकेट T20 कप का आयोजन बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम छतरपुर में किया जा रहा है। यह एक ऐसा मैच है जिसमें सिर्फ दिव्यांग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। बैटिंग करने वाले दिव्यांग और फील्डिंग करने वाले भी दिव्यांग हैं। आयोजन के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर ASP जयराज कुबेर शामिल हुए। श्री कुबेर ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि मुकेश पटेल ने जब आयोजन के बारे में बताया तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि आज यहाँ खिलाड़ियों के बीच आकर खुशी और दुगनी हो गई है। इधर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय चौरसिया ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। बुधवार के 3 मैचों में हरियाणा ने केरल, मध्य प्रदेश ने जम्मू कश्मीर को शिकस्त दी। बुधवार को अतिथि के रूप में जिला पंचायत CEO हिमांशु चंद्र, TI विनायक शुक्ला, वी न्यूज के डायरेक्टर दुर्गेश खरे, गिरजा पाटकर, दीप्ति प्यासी, विवेक बुंदेला तथा आयोजक मुकेश पटेल शामिल रहे। जब मुझे मुकेश ने संपर्क किया कि सर एक टूर्नामेंट कर रहे हैं हम लोग, उसमें देश से दिव्यांग खिलाड़ियों को बुलाकर टूर्नामेंट करेंगे, तो उस समय मुझे बड़ी भारी खुशी हुई कि मैं ऐसे किसी आयोजन का हिस्सा होने जा रहा हूँ जिसमें जाने में शिरकत करने का मौका मिलेगा। ये अपने आप में बड़ा ही अनूठा प्रयास है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा संसाधन भी नहीं है आयोजकों के पास में, इसके बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर से टीम बनाना और छतरपुर जैसे शहर में ये वाकई बधाई की और प्रशंसा के पात्र है। और ये जो खेल देख रहे हैं हम, ये क्रिकेट के प्रति दीवानगी तो है ही, साथ ही साथ ये जिंदगी की जो जंग है दिव्यांग होते हुए उस जंग को जीतने का जश्न भी है।